नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रोहित कसाना, फार्मिंग लीडर 76 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार सा टॉनिक, जो कि हमारे पशु के लिए अति उत्तम है, जिसका रिजल्ट 100%, कहने का मतलब 100% है। तो दोस्तों, जो हमारे पशु अच्छा खाते पीते नहीं हैं, चारा जुगाड़ी नहीं करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है। तो हमारे पशु में खासकर देखने को मिलता है दोस्तों, कि हमारे पशु में पेट के जो कीड़े हैं वो हो जाते हैं। तो जो हम आज फार्मूला आपको बताएंगे, यह फार्मूला आपको 3 महीने में एक बार अपने पशु को देना ज़रूरी है। ये पेट के कीड़े बहुत ही आसानी से मार देता है दोस्तों। तो क्या फॉर्मूला है, किस विधि से देना है, हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में जो घंटा चमक रहा है उसको दबाएं, प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। तो दोस्तों, हम बताएंगे आपको पता कैसे चलेगा कि आपके पशु के पेट में कीड़े हैं। उसके कुछ कारण हैं दोस्तों। कारण क्या है? हमारा पशु अच्छे से जुगाली ना कर रहा हो, अच्छे से चारा ना खा रहा हो। यदि अच्छे से चारा खा रहा है फिर भी उसका शरीर ना बन रहा हो, आँखों में पानी जाना या आँखों में जो ढीड़ आ जाती हैं या जो मैल मिट्टी आ जाती है, ये कीड़े के कुछ कारण हैं कि हमारे पशु के शरीर में कीड़े हो गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे, कीड़े बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे जो विधि हम आपको बताएंगे, बिल्कुल देसी नुस्खा है और ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 रुपए का आपको पड़ेगा दोस्तों। क्या क्या लेना है, किस विधि से देना है, क्या चीज़ ऐड करनी है, सारी विधि वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ, कृपया वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, पूरी जानकारी। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह जो हमारा नींबू है दोस्तों, यह जो है हमारा अदरक है दोस्तों, ये अदरक है हमारा दोस्तों, यह हमारा लहसुन है दोस्तों, और यह हमारा प्याज है दोस्तों। तो दोस्तों, इसकी कितनी कितनी कॉस्ट होगी अभी बताते हैं दोस्तों वीडियो। तो दोस्तों, आप इस फार्मूले को तैयार करने के लिए लगभग 4 से 6 नींबू लेंगे दोस्तों, और आप लगभग 3 प्याज, यदि मोटी मोटी हों तो 3, और इस तरीके की हों तो आप प्याज ले लेना 4 दोस्तों। और जो हमारी लहसुन की पोती हैं वो भी, लहसुन की जो पोती होंगी दोस्तों वो भी आप 4 ले लेंगे, और जो हमारा अदरक होगा वो आप लेंगे लगभग 250 ग्राम। तो दोस्तों, इसको बनाने की विधि क्या है, इसको बनाने की विधि यह है, आप इन सभी को एक जगह कूट लेंगे, पीस लेंगे, एक इसका काढ़ा सा तैयार कर लेंगे दोस्तों। उस काढ़े को पीसने के बाद जो हमारा पानी में मिक्स हो जाएगा, काढ़ा बोलते हैं जिसे, तो उसको आप फिर लगभग 2 लीटर से 3 लीटर या थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं आप अपने पशु के अनुसार पानी को, आप 5 लीटर भी कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये सब एक जगह पकाने हैं दोस्तों। पकाने के बाद आप इसमें लगभग 50 ग्राम काला नमक और ऐड कर दें दोस्तों, यदि आपके पास हो, नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है उसकी इतनी खास। पकाने के बाद दोस्तों, आप इसको अपने पशु को दिन में एक बार, शाम के टाइम या सुबह के टाइम, किसी भी टाइम 24 घंटे में आप इसको दे सकते हैं। देने के बाद जो आप, तो जैसे हमारा फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा, तो इसको खुआने की विधि यह है दोस्तों, आप इसको दलिया चोकर में ऐड कर सकते हैं।
दलिया चोकर अपना भिगो के रख दें, जैसे हम चारे पर डालते हैं उसी प्रकार हमारा जो यो फार्मूला तैयार हुआ है इसकी खुराक बना लें। जो आपने फार्मूला तैयार करा है तो उसकी 5 खुराक बना लें, कम से कम 5 खुराक उस दलिये या चोकर में ऐड करके अपने पशु को दिन में एक बार खवाएं, 5 दिन तक खवाएं, आपके पशु को 100% 100% रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों 5 लीटर पानी ले लिया, 4 नींबू ले लिए, 3 या 4 प्याज ले ली, 4 लहसुन की पोती ले ली और आपने अदरक ले लिया, सब पीस लिया, काढ़ा बना लिया और पका लिया। पकाने के बाद जो आपका तैयार हुआ है दोस्तों, उसके बाद आप उसे लगभग 4 दिन 6 दिन या 10 दिन दें, जब तक आपको लगे कि आपका पशु सही नहीं है। जैसे जैसे आपका पशु नार खाता चला जाए या आँख में जो मैल मट्टी आती है वो सफ़ा होती चली जाए, ये सारे जो हैं सब चीज़ ख़त्म होती चले जाएंगे, आपका पशु एकदम बहुत स्वस्थ हो जाएगा, चारा अच्छा खाएगा, दूध अच्छा देगा, जुगाली अच्छी करेगा और शरीर बनाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस फॉर्मूले को आजमाइए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाजवाब फॉर्मूला है दोस्तों। तो दोस्तों इस फॉर्मूले को आजमाइए और अपने मित्रों को शेयर करिए। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर, इसी तरह प्यार देते रहिए। अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।